कोरोना संकट पर ट्रंप का बड़ा फैसला, बाहरी लोगों के अमेरिका में बसने पर अस्थाई रोक। नमस्कार दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहे अमेरिका ने इमिग्रेशन को रोकने का फैसला लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार सुबह यह बड़ा ऐलान किया है। अमेरिका में अब अगले आदेश तक किसी भी बाहरी व्यक्ति को बसने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बड़े फैसले का ऐलान अपने ट्विटर अकाउंट से किया। कोरोना वायरस की वजह से खड़े हुए अर्थव्यवस्था पर संकट को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार सुबह ट्वीट कर ऐलान किया, अदृश्य दुश्मन के हमले की वजह से जो स्थिति पैदा हुई है उसमें हमें हमारे महान अमेरिकी नागरिकों की नौकरी को बचाकर रखना है। इसी को देखते हुए मैं एक ऑर्डर पर साइन कर रहा हूं, जो अमेरिका में बाहरी लोगों के बसने पर रोक लगा देगा। साफ है कि अगले आदेश तक कोई भी विदेशी नागरिक अमेरिका का नागरिक नहीं बन पाएगा और ना ही इसके लिए अप्लाई कर पाएगा। दुनिया भर से लोग अमेरिका में नौकरी और बिजनेस के लिए जाते हैं क्योंकि कुछ वक्त के बाद वहां पर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन अमेरिका यूरोप से बड़ी संख्या में लोग अमेरिका जाते हैं। इसके अलावा भारत समेत अन्य एशियाई देशों से भी इनकी संख्या में बढ़ोतरी आई है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक किसी भी तरह के इमिग्रेशन पर रोक लगा दी है। हालांकि ये रोक अभी अस्थायी रूप से लगाई गई है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के विकराल रूप की वजह से अमेरिका अब तक के सबसे बड़े संकट का सामना कर रहा है। पिछले करीब 2 महीनों में अमेरिका में 1 करोड़ से अधिक लोग अपनी नौकरी गंवा चुके हैं और बेरोजगार को मिलने वाली सुविधाओं के लिए अप्लाई कर चुके हैं। इसके अलावा अमेरिकी बिजनेस पर भी बड़ा संकट आया है। यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप यह फैसला लेने पर मजबूर हुए। बता दें कि इसी साल अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने अमेरिका फर्स्ट के नारे को मजबूती देने की कोशिश में जुटे हुए हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।